जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों 2024-26 सेशन में जो यहाँ पे डीएलएड यहाँ पे दोस्तों करना चाह रहे हैं, उनका जैसे कुछ लोगों का सवाल यहाँ पे था कि जैसे सरकारी कॉलेज सर मिलेगा तो उसमें हॉस्टल वगैरह मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो उसमें जैसे कितना यहाँ पे फी लगता है, उसके बारे में सर एक जैसे वीडियो बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि इसमें हॉस्टल चार्ज जैसे कितना यहाँ पे होता है, टोटल यहाँ पे दोस्तों फी कितना होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर जो है से आप गवर्नमेंट कॉलेज से जो है से डीएलएड करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करने का चार्ज जो होता है यहाँ पे 30 से लेकर 40 हजार तक दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। और वही अगर हॉस्टल में अगर बात करते हैं तो इसमें जो है हॉस्टल सुविधा होती है, प्राइवेट कॉलेज में जो है आपको हॉस्टल सुविधा देखने को नहीं मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज में अगर जो है डीएलएड करते हैं तो इसमें जो है 1,20,000 से कहीं कहीं 1 लाख भी लगता है, 1,20,000 से जो है 1,40,000 तक दोस्तों यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पैसा लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे हॉस्टल चार्ज कितना लगता है। और तो दोस्तों इसके लिए जैसे आप सभी को पता ही होगा कि इसमें जैसे 2 साल का जैसे इसका कोर्स होता है और पर ईयर जो है इसमें जैसे 8 से लेकर 9,000 रुपया तक दोस्तों गवर्नमेंट इसमें जैसे हॉस्टल में आपको फी लगता है। इसमें होता क्या है कि आपको यहाँ पे खाना ना वगैरह नहीं नहीं दिया जाता है, आपको जो है सिर्फ रहने के लिए और पढ़ने के लिए और जैसे साफ सफाई यानी कपड़ा धोने के लिए इन सारे जो है से व्यवस्था ये चीज दिया जाता है। खाना का जो है से आपका खुद का व्यवस्था यहाँ पे करना होता है, इसीलिए जो है से 8 से लेकर 9,000 के बीच में यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों हॉस्टल चार्ज यहाँ पे जो होता है से पूरी तरह से मिल जाता है। ठीक है, अगर जो है से अगर खाना वगैरह जो है खाना अगर अलग से खाना चाहते हैं तो अलग मेस उस की व्यवस्था होती है, वहां से जो है से खाना आप यहाँ पे करा सकते हैं। उसमें दोस्तों यहाँ पे ज्यादा चार्ज यहाँ पे पड़ जाता है। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ मैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे काउंसलिंग का प्रोसेस जल्द यहाँ पे शुरू होगा उस पर भी मैं वीडियो वीडियो पहले ही ऑलरेडी दोस्तों बना दिया हूँ। दिया हूँ।